हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 250 बाइक के बारे में, जो बाइक अभी तक तो इंडिया में मौजूद नहीं है, मतलब लॉन्च तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ये बाइक इंडिया में लॉन्च होने वाली है। और ये एक ऑफिशियल न्यूज है, यहाँ पे कोई भी एजम्पशन या फिर कोई भी र्यूमर को लेकर हम लोग ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, ये एक ऑफिशियल न्यूज है। और ये बाइक लगभग मिड 2020 या फिर 2020 लास्ट में ही इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। रॉयल एनफील्ड बाइक के मामले में इंडिया में एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक ब्रांड है, लेकिन जो 2019 और 2018 का जो लास्ट से शुरू होके 2019 तक इसका जो सेल्स है ये थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे मतलब रेट्रो लुकिंग क्लासिक बाइक्स बहुत सारे हैं, और वो भी बहुत सारे फीचर्स के साथ आ रहे हैं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो रॉयल एनफील्ड में नहीं मिलते हैं। इसके चलते रॉयल एनफील्ड का सेल्स थोड़ा सा डाउन हो गया है, और वही डाउन हो गया जो मार्केट, वो मार्केट फिर से पकड़ने के लिए वो नए नए मॉडल्स ला रहे हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग मॉडल है वहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे, बहुत सारे लीक्स फोटोज भी आ रहे थे, वो बाइक न्यूज़ में हम लोग कवर कर चुके हैं पहले ही, आपने देखा होगा कि जो क्लासिक है या फिर जो थंडरबर्ड है या दूसरे सारे जो भी बाइक है, सभी बाइक में थोड़ा बहुत फीचर्स का चेंजेस हो रहा है या फिर लुक्स का चेंजेस हो रहा है। और इसी के साथ साथ वो अभी सोच रहे हैं थोड़ा सा मतलब नीचे का सेगमेंट में भी जाएंगे, मतलब अभी तो जो बेस वेरिएंट होता है रॉयल एनफील्ड का वो होता है 350 सेगमेंट सीसी का बाइक्स, लेकिन उससे भी जो थोड़ा सा नीचे का सेगमेंट है, मतलब 200 से लेके 300 सीसी तक का जो सेगमेंट है, वहाँ पे भी बहुत सारे बाइक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और वहाँ पे लोग ज़्यादा मतलब उस रेंज में बाइक ज़्यादा खरीदना पसंद भी करते हैं लोग। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि एक थोड़ा सा अफोर्डेबल और थोड़ा सा कम पावर वाला, थोड़ा सा कम सीसी का एक इंजन के साथ एक बाइक इंडिया में लॉन्च करेंगे। और इस बाइक का जो नाम होने वाला है वो होने वाला है हंटर 250, और जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये एक 250 सीसी का बाइक होने वाली है। पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ जो ऑफिशियली निकल के आया है वो, उसके बाद में मेरा जो अजम्पशन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो ऑफिशियली निकल के आया है कि अभी रॉयल एनफील्ड एक 250 सीसी इंजन के ऊपर काम कर रही है, और ये जो इंजन के साथ मतलब जो नया बाइक होगा हंटर, ये 2020 लास्ट तक आ जाएगी इंडिया में, मतलब उतना ज़्यादा लेट भी नहीं होगा या फिर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, आएगा। लेकिन यहाँ पे और बाकी सारे जो फीचर्स क्या होंगे, इसका लुक्स कैसा होगा, ये सब कोई भी डिटेल अभी तक नहीं आया है। लेकिन रॉयल एनफील्ड को आप जानते हैं, मतलब रॉयल एनफील्ड क्लासिक लुकिंग जो रेट्रो बाइक्स होते हैं वही लाते हैं इंडिया में, लेकिन अभी ये 2020 है, मतलब यहाँ पे VF6 इंजन तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसके साथ साथ जो फीचर्स होंगे वो भी सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी मतलब कम नहीं किया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पे जो मतलब अभी तो रॉयल एनफील्ड वाले स्पोक व्हील को हटा के एलॉय व्हील ला रहे हैं, तो यहाँ पे भी शायद एलॉय व्हील मिलेगा, और देखने में लगभग ये क्लासिक या फिर बुलेट इसी तरीके का ही होगा, लेकिन इसका जो इंजन प्लेसमेंट है ये थोड़ा सा कम होगा, इसका जो पावर फिगर है ये थोड़ा सा कम होगा। और अगर प्राइसिंग को देखेंगे तो प्राइसिंग में कोई भी अभी तक कोई भी आइडिया भी नहीं है, और कोई भी निकल के कुछ नहीं आया है ऑफिशियली, तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये एक बहुत ही अफोर्डेबल होने वाली है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। मतलब जो अभी क्लासिक सीरीज का बाइक मिलता है या फिर बुलेट सीरीज का बाइक मिलता है जो सबसे कम वाला है, उससे भी इसका प्राइस कम होने वाली है, मतलब लगभग 1 लाख के आसपास ही होगा इसका प्राइस, थोड़ा सा कम या तो थोड़ा सा कम। तो यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट कीजिए ये बाइक के बारे में आप लोग इंटरेस्टेड है या नहीं, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाइक रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलता है आप लोगों को। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।